प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में ईश्वर को तो मानता ही है, कोई मंदिर के मूर्ति के रूप में, कोई किसी तत्व के रूप में, कोई भाव के रूप में, तो कोई स्वभाव के रूप में। कोई खुद में परमात्मा को खोजता है तो कोई किसी और में। किसी का ज्ञान ही ईश्वर होता है। हर व्यक्ति को उसका ईश्वर किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। किंतु एक बात बताऊं, परमेश्वर ने अपनी पहली स्वरूप आपके लिए इस संसार में पहले से ही भेज दिया है, और वह स्वरूप हैं आपकी माँ। वही माँ जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपको जीना सिखाया, आपको संस्कार दिया। जब आप किसी गलत मार्ग पर भटक जाते हैं तो वही माँ आपको डांट कर सही मार्ग पर लाती हैं। जब आप किसी काम में असफल हो जाते हैं तो वही माँ अपनी आंचल की गर्माहट से आपके अंदर ऊर्जा प्रदान करती हैं। वो सभी कार्य करती हैं माँ जो एक ईश्वर करते हैं। इसलिए स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में आपके लिए कोई पहला ईश्वर है तो वो आपकी माँ है। हर प्रतिमा में भले ही ईश्वर ना हो, परंतु प्रत्येक माँ के अंदर ईश्वर जरूर होते हैं। इसलिए माँ का ख्याल सबसे ज़्यादा रखिएगा। दिल आपका प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे राधे।